रोहित शर्मा एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई से खेले जाने वाले पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। रोहित की कोरोना रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है और वह अब भी आइसोलेशन में हैं। ऐसे में ओपनिंग को लेकर टीम इंडिया के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। बीसीसीआई ने मयंक अग्रवाल को जरूर बर्मिंघम भेजा है, लेकिन उन्हें एक भी मैच की प्रैक्टिस नहीं है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट मौजूदा स्क्वाड में से ही किसी एक को सुमन गिल के जोड़ीदार के तौर पर खिलाने की तैयारी कर रहा है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि मयंक हाल फिलहाल में ही इंग्लैंड पहुंचे हैं और वह प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने के प्लान से बाहर हैं। सूत्र ने बताया कि रोहित की गैर मौजूदगी में चेतेश्वर पुजारा या हनुमा बिहारी में से किसी एक को बतौर ओपनर मैदान पर भेजा जा सकता है। इनमें पुजारा की दावेदारी सबसे मजबूत है, वह सुमन के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। वहीं हनुमा बिहारी भी इस प्लान में शामिल है। हनुमा बिहारी ओपनिंग का रोल पहले 2018 में ऑस्ट्रेलिया में निभा चुके हैं, लेकिन पुजारा रेस में सबसे आगे हैं।